करके 20 एपिसोड का काम आपने 40 एपिसोड में दिखा दिया, तो बॉक्सेस से मैं अभी कुछ कुछ करने वाली हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग कर रही हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मैं 10 डेज के बाद व्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी जो मैंने व्लॉग किया था ना, वो भी काफ़ी दिन पहले का था, जिसको मैंने अपलोड बहुत लेट किया है। मतलब ये वाला व्लॉग और वो जो पहले वाला व्लॉग है वो आएंगे आसपास ही, बट वो व्लॉग भी मैंने काफ़ी दिन पहले शूट किया था। एंड आज मैं मंडे को ये वाला व्लॉग शूट कर रही हूँ, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज के बाद। तो ये वाला वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा, अगर नहीं देखा है तो देखेगा ज़रूर। और आज आप मेरे घर की हालत देखिए, सब कुछ मैसी पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर एक कार्ट्रेज रखा हुआ है जिसमें कुछ कुछ सामान है। यहाँ पर जो हमारे पास कोरियर के पार्सल्स आते हैं वो रखे हुए हैं, इनको मैंने स्टोर करके रखा है, मतलब मैं फेंक नहीं रही हूँ, मैं कुछ DIY करने का सोच रही हूँ। तो अभी मेरा पूरा जो घर है वो एकदम ऐसे मैसी सा हो रखा हुआ है। एंड आज मैं शाम से व्लॉग स्टार्ट करी हूँ, मतलब काफ़ी लेट व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। मैंने दिन भर से व्लॉग नहीं किया, मैंने सोच रहा था कि मैं सैटरडे व्लॉग करूँगी, फिर मैंने व्लॉग नहीं किया। देन फिर मैंने संडे को भी सोचा था कि मैं व्लॉग करूँगी, बट अगेन मैंने नहीं किया। देन आज मैंने स्टार्ट किया है अभी से। और आज मैंने खाने में नॉर्मल लौकी एंड रोटियाँ बनाया था, और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बनाया था। एंड अभी रात में मैं बनाने वाली हूँ कस्टर्ड। तो ये मेरा सेकेंड टाइम है, जब से मेरी शादी हुई है मैं सेकेंड टाइम कस्टर्ड बना रही हूँ। मुझे कस्टर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे कस्टर्ड पर्सनली मम्मी के हाथ का बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक तो मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, और दूसरा मेरी बुआ है भोपाल में ही रहती है, वो कस्टर्ड बहुत अच्छा बनाती है। तो इन दो लोगों के हाथ का ही कस्टर्ड मैंने मोस्टली खाया है, और इन दोनों के हाथ का कस्टर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने उस कस्टर्ड में क्या कर दिया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था मैंने मम्मी से पूछ करके बनाया था, ताकि वो मम्मी वाला टेस्ट आ पाए उसमें। तो मैंने जो बनाना है और जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब मैंने बॉइल करते टाइम ही, जब वो गरम गरम थे तभी डाल दिया, और रात भर उसको रखे रहने दिया। मतलब जब जनरली फ्रूट्स तब डालते हैं जब आपको खाना होता है, अदरवाइज वो गरम गरम में आप डाल दोगे तो जो फ्रूट्स होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। तो पूरा बनाना एकदम काला पड़ गया, और उसका टेस्ट इतना अजीब हो गया था। वो बना ठीक था पर वो बहुत अजीब टेस्ट हो गया था। कस्टर्ड बनाना बहुत ईजी होता है, बट स्टिल मेरा बहुत बिगड़ गया था वो इस वजह से। तो आज मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ, मेरा काफ़ी दिनों से कस्टर्ड खाने का काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा था, तो आज मैं वही कस्टर्ड बनाने वाली हूँ। आई जस्ट टुक शार, और अब मैं डिनर करने के लिए बैठ रही हूँ, और अभी का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। मैं डायरेक्टली आप लोगों से मिलती हूँ कल सुबह। सो गुड नाइट। हे गाइस, तो आज मैं बनाने वाली हूँ पानी पूरी, और अभी मैं बना रही हूँ जो पानी होता है उसका चटपटा पुदीने वाला। तो अभी धनिया और जो पुदीना है वो साफ करना इज लाइक मैं एक बार खाना बना सकती हूँ, बट ये मुझे साफ करने में, मतलब उसको तोड़ तोड़ के रखना, धो के रखना, ये सभी बहुत ही आलस और सरदर्द वाला काम लगता है। बट ठीक है, तो मैं वही अभी कर रही हूँ, और जैसे ही ये काम हो जाएगा तो मैं चटनी बनाऊंगी। खीरे क्लियरली बोल दिया है कि आज वो कोई काम नहीं करेगा, मतलब चीज़ इधर से उठा के उधर भी नहीं रखने वाला, ना ही वो बर्तन मांजेगा ना ही वो कुछ काम करेगा। तो ठीक है, आज उसको छुट्टी चाहिए तो आज मैं उसको छुट्टी दे रही हूँ। फिर उसके बाद जनरली क्या होता है, जब हम दोनों में से मैं छुट्टी मांगती हूँ तो एज़ यूजल 20% काम तो मुझे करना ही करना पड़ता है, क्योंकि जैसे रोटी बनाना है तो रोटी उससे बनती नहीं है, रोटी बनाना पड़ता है, या ये सब्जी वाला जो भी सॉर्टिंग वाला काम होता है, वॉशिंग सॉर्टिंग, ये सब मैं ही करती हूँ हमेशा। तो मैंने इसलिए आज उसको इस तरह से छुट्टी दी है कि अभी नेक्स्ट टाइम पे जब वो ये काम करेगा तो मैं एक काम को हाथ नहीं लगाने वाली हूँ। मैं भी मुझे भी प्रॉपर ऐसी ही छुट्टी चाहिए जैसा वो आज छुट्टी ले रहा है।
took shower और अभी हम लोग लंच करने के लिए बैठ रहे हैं, तो यहीं पर एसी रूम में हम लोग बैठते हैं। भले ही एसी नहीं चलाते हैं बट इस रूम में ठीक लगता है, यहाँ धूप भी नहीं आती है डायरेक्टली और गर्म गर्म हवा नहीं चलती है, तो यहाँ बेटर लगता है। तो अभी मैं जस्ट लंच करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कि बारिश का जो अभी सीजन लॉन्च हुए हैं, कल ही लॉन्च हुए हैं, मेरे को किसी ने मैसेज किया था, मेरे सब्सक्राइबर ने इंस्टा पे मुझे मैसेज किया था कि जो बचे हुए पार्ट हैं बारिश के वो आ गए हैं, तो वही हम लोग अभी देख रहे हैं। कल से हमने देखना चालू किया है, थोड़ा स्लो है, मतलब बहुत स्लो है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं देखने के लिए, जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं, हमने सब देख लिया, पाताल लोग जितनी नई वो सीरीज थी हमने वो भी देख लिया, हमारे पास कुछ नहीं देखने को, तो उसके लिए ये सीरीज अच्छी है। लोग तो मैंने एक्चुअली अपना लंच वगैरह सब कुछ कर लिया है, सारे काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ, वीडियो पोस्ट कर दिया है, तो अब मेरे पास फ्री टाइम है और कल के लिए मेरा वीडियो ऑलरेडी रेडी है। तो मैं आज क्या करने वाली हूँ, मैं बहुत दिन से सोच रही थी, ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल जिसके ऊपर मैंने वीडियो डाला था, मेरा नया ड्रेसिंग टेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी तो आप देखिएगा ज़रूर। तो क्या हुआ था, जब ये आया था ना, नया नया था और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो मैंने फटाफट सामान भर दिया था, क्योंकि सामान ऐसे फैला के तो रख नहीं सकते हैं। अब मैं आपको इसकी सिचुएशन बताती हूँ कि अभी इसका हालत कैसा हो चुका है। इतने में भी गंदा है, यूज़ करने में भी प्रैक्टिकल नहीं है, मुझे पीछे से एक बॉटल उठानी पड़ती है तो ये सारा सामान गिर जाता है। यहाँ पर भी आप देखो, मैंने यहाँ शेड्स रख दिए, यहाँ मेरे परफ्यूम्स रखे हुए हैं, मतलब कुछ का कुछ है, और ये तो बिल्कुल कबाड़ा खाना टाइप्स हो रखा है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने सोचा था कि एक मैं इस डेडिकेटेडली पीआर सामान के लिए दूंगी, तो यहाँ मेरा सामान रखा हुआ है पीआर का, पर मैंने और भी चीज़ें घुसा के रखी हुई हैं। देन कमिंग टू दिस सेक्शन, रैंडमली मैंने कुछ भी रख के रखा है। देन यहाँ पर भी मेरा पीआर का सामान रखा हुआ है, ये तो नॉर्मल खाली बॉक्स है जिसको मैंने संभाल के रखा है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसका कुछ ना कुछ यूज़ कर लूँगी। एंड यहाँ पर कुछ सामान है, यहाँ पर कुछ सामान है, तो ऐसे। उसके बाद यहाँ पर भी कोई बहुत काम का सामान नहीं है, एकदम फालतू का सामान है, सिर्फ नेल पेंट्स यहाँ पर काम की है, बाकी ये सब बहुत रैंडम सामान है जो कहीं पर भी रखा जा सकता है और इस ड्रॉअर को मैं कुछ अच्छे सामान के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने ये पहले से सोच के रखा था कि जब मैं काफ़ी फ्री होंगी तभी मैं इसका काम करूंगी। तो मैंने क्या सोचा है कि अभी मैं कुछ DIY ड्रॉर्स, मतलब जैसे अभी ये जितने बड़े बड़े ड्रॉर्स हैं ना, इनको भी अगर मैं बीच से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा सामान जमाने के लिए। एक्चुअली मैं चाहती थी कि ये बहुत छोटे छोटे ड्रॉर्स लगे इनमें वुडन के, बट यू नो इसका प्राइस और बढ़ता जा रहा था। मैं जितना कॉम्प्लिकेटेड इसको, जैसे ही आप किसी भी फर्नीचर को जितना कॉम्प्लिकेटेड ड्रॉर्स और ये सब में जितना आप उसको कॉम्प्लेक्स करोगे उतना उस फर्नीचर का प्राइस बढ़ता जाता है, तो ये हमारे बजट से बहुत बाहर हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा चलो छोड़ो, बाद में मैं अपना DIY वगैरह कर लूंगी। तो इस तरह के जो बॉक्सेस आते हैं, जो मेरे पास ऑनलाइन अभी पार्सल्स आ रहे हैं या जो भी ब्रांड का सामान आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इनको फेंकती नहीं हूँ। ये आराम से 15-15, 20-20 दिन पुराने मेरे पास हैं बॉक्सेस हैं ये, तो इस तरह के बॉक्सेस से मैं अभी कुछ कुछ करने वाली हूँ। तो वही मैंने सोचा है, जो ऊपर वाला शेल्फ है इसको खाली कर लेती हूँ, सारा सामान इसका निकालती हूँ एंड फिर देखते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ये एक्चुअली इसमें काफी सारा सामान जो है वो विक्की का भी है, विक्की के परफ्यूम वगैरह और कुछ कुछ रखा हुआ है, तो विक्की भी, मतलब मैं तो खराब करती करती हूँ, वो भी खराब कर देता है। You all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? So I'm using this एकदे का बॉक्स मेरे पास आया था जिसके ऊपर इतना इस तरह से उन्होंने झांकी वांकी करके रखा था, तो उसके इस पूरे बॉक्स के अंदर मेरी सारी नेल पेंट्स जो मैं एक्चुअली में यूज़ करती हूँ, और इतनी नेल पेंट्स अभी मेरे पास हैं वो सब आ गई हैं। साथ ही साथ मेरा जो नेल पेंट रिमूवर है जो मैं यूज़ करती हूँ, आई एम करेंटली यूजिंग दिस कलर बार का, दिस इज़ द नेल पेंट रिमूवर आई एम यूजिंग। इसमें आपको सिर्फ फिंगर डालना होता है और आपका जो नेल पेंट है वो बहुत अच्छे से बाहर आ जाता है, कितना भी स्ट्रॉन्ग नेल पेंट आपने लगा करके रखा है।
be so blind. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? क्योंकि मैंने बेसिकली एक डेढ़ घंटे में किया क्या है, तो ये एक बॉक्स था जिसमें मुझे डेनियल वेलिंगटन की वॉच आई थी, नीचे आपको भी वही, मैंने नीचे कुछ किया नहीं है, तो उसको मैंने जो ऊपर का उसका कवर होता है वो ऐसे अंदर फिट कर दिया है। देन ये एक कार्डबोर्ड था जो मेरे पास पता नहीं किसी पैकेजिंग में आया था, उसको मैंने संभाल के रखा था, उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। एंड देन ये मेरे मोबाइल के कवर का केस है जिसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। नाउ ये एक दो तीन लेयर का बन गया। आपको पता ही होगा कि अमेजन पे इस तरह के प्लास्टिक के मिलते हैं, वो 400-500 रुपए से कम के नहीं मिलते हैं, तो हमारे ये ऑलमोस्ट ना के बराबर कोई कॉस्ट में मिल गया। मैंने अंदर कुछ नहीं किया क्योंकि ये ऊपर रखाने वाला है तो अंदर का कुछ दिखने नहीं वाला है, ना ही इसकी ये लेयर दिखने वाली है, सिर्फ ये दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर मेरे पास इस तरह की शीट पेपर जो वॉल पेपर होता है वो अवेलेबल था, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। आप चाहें तो एक्रेलिक कलर की पेंट कर सकते हैं, जो ये कार्डबोर्ड होते हैं उनके ऊपर कभी भी ऑयल पेंट चढ़ता नहीं है, तो आप जो या तो वॉल पेंट वाला पेंट होता है वो कर सकते हो, चाहो तो एक्रेलिक कलर्स, चॉक पेंट, इस तरह के कलर्स ही इनके ऊपर चढ़ते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से रख दूंगी, कैन यू सी दैट, मैं इसको जूम करती हूँ, तो ये इस तरह से दिख रहा है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड, थर्ड। तो मुझे अब कुछ भी निकालना होगा तो सामान गिरेगा नहीं और वो अच्छे से काफी अच्छा भी दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद ये एक बॉक्स है जो कि ज़िवामे का जो आता है, मेरे पास कोरियर बॉक्सेस आते हैं जिसमें मेरा सामान आता है वो है, उसको मैंने ऐसे बीच से कट कर लिया, अंदर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ ऊपर ऊपर मैंने लगा दिया है। उसको मैं यहाँ पर रखूंगी लाइक दिस, ये बिल्कुल इसी के साइज का है। नाउ अब आप देखेंगे तो ये मेरा दो शेल्स में डिवाइड हो चुका है, मतलब मैं यहाँ पर भी सामान रख सकती हूँ और मैं यहाँ पर भी सामान रख सकती हूँ। तो ये वाला जो आपको स्टोरेज दिख रहा है ना, इसके अंदर मैं सारे अपने शेड्स रखने वाली हूँ। इनको मैं वॉश कर लेती हूँ अच्छे से एंड आपको मैं मैस दिखाती हूँ जो मैंने क्रिएट किया है अभी। सो लुक एट दिस, ये पूरा मैस 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 मैस, देन यहाँ बेड पर भी मैस है एंड देन ये है, और अपना ये दिखा देती हूँ क्या, एंड थोड़ा सा क्या, काफ़ी सॉर्टेड लग रहा है मुझे ये, अब मुझे ये काफ़ी सॉर्टेड लग रहा है लाइक दिस।
एंड ये है यहाँ पर मेरी पूरी नेल पेंट्स रहने वाली है, तो जब ये मुझे लगाना होगा तो मैं पूरा निकाल करके यूज़ कर लूँगी क्योंकि यहाँ से कोई कलर्स दिख नहीं रहे मुझे वैसे। देन यहाँ पर जो जो भी मुझे ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हैं, और ये तो वैसे की वैसी है जैसा पहले था। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, ये कार्डबोर्ड बॉक्स रख दिया है। एंड देन इसके बाद ये मेरे सारे मिनी परफ्यूम्स हैं, ये मैंने रिसेंटली परचेज करे हैं। एक मिनट, ये वाला एक तो ये यार्डले का मॉर्निंग ड्यू, उसके बाद यार्डले का ये एटम ब्लूम, और उसके बाद ये वाला यार्डले का कंट्री ब्रीज। अमेजिंग इनकी फ्रेग्रेंस है, मतलब इतने रिफ्रेशिंग है ये कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं। और उसके बाद ये सब तो इंगेज के हैं, इसके अंदर जो भी सामान है ये एज इट इज़ वैसे ही है, इसको मैंने टच भी नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, तो ये वाला पूरा खाली है क्योंकि अब इतना सामान नहीं है मेरे पास। और यहाँ पर मैंने अपने पूरे शेड्स रख दिए, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट ठीक है, अभी काम चलाऊ इट्स गुड, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ। कौन सा किसको बार बार ओपन करके दिखाना है। फिर इसके अंदर मेरे सारे सैनिटाइजर्स हैं, तो वो मैंने इसके अंदर रख के रखा है। यहाँ पर सारी ज्वेलरीज हैं वो मैंने रखी हुई है, एंड ये वो जो मेकअप करते टाइम मैं बैंड लगाती हूँ वो रख दिया है। देन यहाँ पर भी काफ़ी जगह खाली है, तो इसको मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ करके रखा है क्योंकि अभी जो भी पीआर पैकेजिंग के सामान आएंगे, जो भी सामान आएगा वो सब मैं इसके अंदर रखूँगी। देन उसके ऊपर भी अभी जगह है, तो यहाँ पर ऐसे रखा दिया है। यहाँ पर मैंने अपने पाउचेस रख दिए हैं, साइड में मेरा एक मिरर रखा गया है जो मैं मेकअप के टाइम पर यूज़ करती हूँ। नॉर्मली ऑर्गेनाइज कर दिया है इसको मैं बंद, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर दो तीन क्लिप्स लगा दूँ और यहाँ पर स्लिंग बैग्स जो हैं जो मैं यूज़ करती हूँ डेली के लिए वो हैंग कर दूँ, और यहाँ पर मैं अपना हेयर बैंड हैंग करने के लिए लगा दूँ, बट फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ, वो गंदा लगेगा। ये पूरी तरह से वॉश हो चुके हैं, अब मैं इसको ड्राई करने के लिए यही बेडरूम में ही रखे रहने दूंगी ताकि वो रात भर में अच्छे से सूख जाए। मैं उसको डिटॉल के पानी में भी थोड़ा देर उसको मतलब वॉश कर दिया था ताकि बैक्टीरियाज वगैरह सब चले जाएं। एंड अभी हम लोग देख रहे हैं ये बारिश कैसी लगी आपको। बारिश अभी वाले जो नए पार्ट्स है वो जो आप मुझे ज्यादा खींचे गए, मतलब खींच खींच करके 20 एपिसोड का काम आपने 40 एपिसोड में दिखा दिया, तो दैट्स ट्रू। हां, मुझे बड़ी क्यूट लग रही थी पर मुझे इसमें झलक आ रहा था कि ये एकता कपूर वाली जो सीरियल्स नहीं होते थे क्योंकि उसने बनाया, उसी की फैमिली का है आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसी तरह का मुझे इफेक्ट आ रहा था, मतलब बिल्कुल वही। बहुत खींच दिया, बहुत ज़्यादा खींच दिया, तो अगर आपके पास बहुत टाइम और कुछ भी देखने को नहीं है ना, सीरियल टाइप का लगेगा आपको ये पुराने जो क्योंकि कसौटी जिंदगी की ऐसे टाइप का मतलब फीलिंग आ जाएगी आपको। तो बस यही है आज का ब्लॉग, मैं यही खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपसे एक और अपने ब्लॉग में। Till then, bye!